और डायरेक्ट विदेश में आज आपने सिमरजीत सिंह बैंस को सुना। इस पूरे इंटरव्यू की तीन बड़ी बातें, खास बातें क्या कुछ रही, ये भी सुन लेते हैं। अच्छा बैंस साहब, आप 100+ सीट्स की बात कर रहे हैं, तो सीट्स को लेकर आपने भी बात की होगी, तो सिर्फ 5 सीटों से संतोष कर लिया गया? मतलब आपकी तरफ से पहले 20-25 सीटों की बात हो रही थी, मतलब 5 सीट से क्या आपकी तो जो महत्वाकांक्षा कब बात हुई चौधरी साहब? मतलब ऐसी चर्चाएं थी बैंस साहब। तो मेरी बात, आप तो चर्चा को ऐसे बोल रहे हो जैसे आप खुद बीच में बैठे थे, आप ही के सामने ये बातचीत हो रही थी, ये अनजस्टिस है। नहीं ऐसी बात ब्रदर, मेरे को केजरीवाल साहब बोले जब मैं उनको बठिंडा में पहली बार मिला तो सारा तय हो गया, तो मेरे को बोले कि कोई कंडीशन, तो मैंने बोला कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन एक कंडीशन बहुत बड़ी है। तो बोले क्या है? तो मैंने बोला कि ड्यू टू अस लुधियाना जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है और हिंदुस्तान का मैनचेस्टर है, पंजाब की इकोनॉमिकल हब है, तो ड्यू टू अस मेरे को ये महसूस हो रहा है लुधियाना को डेवलपमेंट के इंडस्ट्री के पैटर्न पे बहुत बड़ी पदर पे इग्नोरेंस दिया इन लोगों ने, तो मेरे को लुधियाना की डेवलपमेंट और इंडस्ट्री को बचाने के लिए एक बड़ा पैकेज चाहिए। मेरे को सीट, मेरे को पोर्टफोलियो, मेरे को और किसी चीज की नहीं, मेरे को अपने शहर की जरूरत है, उसके लिए एक विशेष पैकेज। तो उन्होंने बड़ी फराख दिली कि इसके लिए आप चिंता मत करो, आप जो बोलोगे लुधियाना शहर के लिए हम वही करेंगे सरकार बनने के। जी, आप सरबत खालसा की जरूरत कितनी देखते हैं मौजूदा समय में? तो सरबत खालसा पहले जब गुरु ग्रंथ साहब का बरगाड़ी में बहुत बड़ा निरादर हुआ, तो तब उसके बाद में सरबत खालसा हुआ, तो सरबत खालसा में कई इश्यों पे बातचीत की। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान के अनुसार हिंदुस्तान के हर नागरिक को आप अपनी बात पीसफुल तरीके के साथ कहने का राइट हमने संविधान से मिला हमको, तो अगर वो लोग अपनी बात सरबत खालसा के रूप में लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं तो उसमें बादलों को क्या तंगी हो सकती है, परेशानी उनको क्या हो सकती है? पिछली बार जब सरबत खालसा का उन्होंने ऐलान किया तो पुलिस ने, मेरा ख्याल है कि कोई 2000 के करीब उनके जो लीडर्स थे सरबत खालसा ऑर्गेनाइजर हैं उनके मेंबर्स थे उनको अरेस्ट कर लिया। तो ये डेमोक्रेटिक तो नहीं है, ये तो लटतंत्र है। किसी को अपनी अन्ना जी ने दिल्ली में अपनी बात जन आंदोलन लोकपाल पे जो जन आंदोलन हुआ जिसने हिंदुस्तान में क्रांति के बीज दिए, तो उन्होंने अपनी बात बोली है ना, तो इनको अपनी बात बोलने दो। अगर वहां पे कोई ऐसी बात करेंगे वो जो देश के संविधान के खिलाफ होगी तो उसके खिलाफ कार्रवाई है, तो पहले थोड़ी हम किसी को रोक सकते हैं। तो ये मैं तो बोलता हूँ कि सरबत खालसा होने जाना चाहिए, इनको रोकना ही नहीं चाहिए गवर्नमेंट को, बिल्कुल गलत बात है इनकी। जी, ऐसा नहीं लगता आपको कि चलो अब आगे जो है जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने अपील भी की है कि आप ऑनलाइन वॉलेट पे जाइए, सब कुछ अगर ऑनलाइन होगा, सब कुछ रिकॉर्ड में होगा, तो फिर जो कालाबाजारी होती है उसके लिए कहीं जगह ही नहीं बचेगी? मैं आई अप्रिशिएट मैं तो बोलता हूँ सारा कुछ ऑनलाइन हो जाए, सारा कुछ बैंकिंग के जरिए हो जाए तो ये ब्लैक मनी समाप्त हो जाएगी, लेकिन ये मुसीबतें झेल रहे हैं लोग। किसी की बेटी की शादी है, किसी के बेटे की शादी है, जो लोग लोगों में सारा दिन, जो लोगों का कोई प्रतिनिधि लोगों में सारा दिन रहता है वो दर्द समझता है जी। कोई हॉस्पिटल में भर्ती है, तो मेरा तो ये है कि ये अगर इतना बड़ा ड्राइव लेना था ब्लैक मनी के खिलाफ तो पहले बंदोबस्त तो प्रॉपर करते ना जी। मेरा ख्याल है जी अब 5-6 महीने और हिंदुस्तान की इकॉनमी अपने पाँव पे नहीं आ सकेगी, लोगों की परेशानियां अभी 5-6 महीने खत्म होने का कोई चांस नहीं मेरे को लगता जी। तो इसलिए इसमें देशभक्ति कम लगती है, तो अपने स्वार्थ और पॉलिटिकल सिनेरियो को और बूस्ट देने के लिए किया था, लेकिन ये उल्टा पड़ गया उनको जी। देशभक्ति कम लगती है और देश के साथ जो पीछे बिहाइंड द कर्टन कोई बातचीत रही है वो ज्यादा लग रही है। और अब तीन बड़ी बातों के बाद वक्त आज के सवाल का है। डायरेक्ट विदेश के दर्शकों से हमारा आज का सवाल है, हमारा सवाल ये है कि क्या 2017 के चुनाव में बैंस ब्रदर्स की बड़ी भूमिका होगी? यस के लिए आपको टाइप करना है ZPHH, स्पेस वाई। नो के लिए आपको टाइप करना है ZPHH, स्पेस एन। और SMS के जरिए आपको जवाब भेजना है 57575 पर।
आप फोन लाइन के जरिए भी अपनी राय साझा कर सकते हैं। हमारा नंबर 1800-1803535। इसके अलावा हमारे दूसरे नंबर है 0120-7153-754, 0120-7153-755। करनाल से कॉलर हमारे साथ जुड़ गए सुखविंदर है। सुखविंदर जी, क्या खुश राय है आपकी? मैडम, मैं ये कहना चाहूंगा कि जो ये बैंस ब्रदर ने अभी आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी है, अलायंस हुआ है इनका, तो इसमें आम आदमी पार्टी को है ना जो काफी मदद मिलेगी, क्योंकि एक लोकल चेहरा जो है आम आदमी के पास, पहले लोकल चेहरा नहीं था जो गुरप्रीत गोगी आए, उसके बाद ये भगवंत मान जी आए, इन लेकिन एक जो पहले इनके राजनीति में जो चेहरा था लोकल चेहरा, वो की कमी थी इस जो आम आदमी पार्टी में अभी ये जुड़े हैं, तो इनका काफी अच्छी भूमिका रहेगी। जी शुक्रिया अपनी राय साझा करने के लिए, और एसएमएस के जरिए भी आप अपनी राय साझा कर सकते हैं। हमारा सवाल यह है कि क्या 2017 के चुनाव में बैंस ब्रदर्स की बड़ी भूमिका होगी? सुखबीर है कॉलर हमारे साथ जुड़ गए फाजिलका से। सुखबीर जी, क्या कुछ राय है आपकी? मैं दसना चाहना आम आदमी पार्टी ने भी बहुत फायदा हुआ जी, मतलब सरकार बहुत फायदा, मतलब आम पार्टी जीत सकती है बैंस ब्रदर्स के कारण। जी शुक्रिया अपनी राय साझा करने के लिए, और सवाल लगातार हम पूछ रहे हैं। हमारा सवाल यही है कि क्या 2017 के चुनाव में बैंस ब्रदर्स की भूमिका बड़ी होगी? एसएमएस के जरिए भी आप अपनी राय साझा कर सकते हैं। यस के लिए आपको टाइप करना है ZPHH स्पेस Y, नो के लिए आपको टाइप करना है ZPHH स्पेस N, और एसएमएस के जरिए आपको जवाब भेजना है 57575 पर। इस बीच दर्शकों की राय भी हम तक पहुंच गई है। आप लोगों ने भरपूर राय हमारे साथ साझा की है। 70% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है, जबकि 30% लोगों ने ना में जवाब दिया है। हमारा सवाल यह था कि क्या 2017 के चुनाव में बैंस ब्रदर्स की बड़ी भूमिका होगी, और एसएमएस के जरिए आप लोगों ने अपनी राय साझा की है। 70% लोगों ने यस यानी कि हाँ में जवाब दिया है, 30% लोगों ने नो में जवाब दिया है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।